अब आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और साथ ही दिख रहा होगा बेल आइकन, उसे दबाकर नोटिफिकेशन पाएं। नमस्कार दोस्तों, आज की जो हम बात करने वाले हैं वो SCS-12 यानी SCS-12 सैटेलाइट के बारे में बात करने वाले हैं। और ये जो सैटेलाइट है वो आने वाले वक्त में हमारा डिश टीवी जो DTH है उसके द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। तो अभी जो है हम सैटेलाइट के बारे में कुछ मुख्य तौर पर बात कर लेते हैं। देखिए, जो SCS-12 सैटेलाइट है वो पिछले साल जून 2018 में ही हमारे लिए लॉन्च किया गया था। और अगर इसके ऑर्बिटल लोकेशन की बात करें तो इसे पहुंचने में करीब एक साल लग गया है और ये फरवरी के 2019 में ही सक्सेसफुली अपनी जगह पर पहुंच गया है। क्योंकि कोई भी जब सैटेलाइट लॉन्च होता है तो उसे अपनी लोकेशन तक पहुंचने में काफी समय लग जाता है, यानी जो उसकी डिग्री रखी गई है 95 डिग्री ईस्ट, जैसे कि आपको मालूम ही होगा SCS-12 जो है वो 95 डिग्री ईस्ट पर लोकेट करेगा, तो उसको अपनी लोकेशन में बनने में थोड़ा वक्त लग जाता है। तो यही जो है एक साल का वक्त लगा है और फरवरी में हमारे लिए वो कंप्लीट हुआ है। तो बताना चाहूंगा, अभी फिलहाल डिश टीवी जो है सैटेलाइट को इस्तेमाल नहीं कर रहा है और अभी जो है डिश टीवी के पास सेम ही लोकेशन का जो सैटेलाइट है NSS-6 जो कि वो भी 95 डिग्री ईस्ट पर लोकेट करता है और डिश टीवी काफी सालों से उसे इस्तेमाल करते आ रहा है, तो वो भी अभी मतलब कि वर्किंग में है, अभी वो बंद नहीं हुआ है। तो उसी के चलते डिश टीवी के पास अभी उसके पुराने ट्रांसपोंडर्स मौजूद हैं। तो डिश टीवी इसको इस्तेमाल कब लेने वाला है, देखिए वो बताना चाहता हूं कि ये इस्तेमाल में तब लेगा जब NSS-6 जो सैटेलाइट है वो हमारे लिए बंद हो जाएगा। जी हाँ, जब वो ऑफिशियली बंद हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो हमारे SCS-12 का नंबर लगेगा और उसके जो ट्रांसपोंडर्स हैं उसमें से डिश टीवी कुछ ट्रांसपोंडर्स को एक्वायर करेगा और देखते हैं डिश टीवी कितने ट्रांसपोंडर्स जो है वो इस बार लेता है। क्योंकि पहली दफा जो है हम बात करें तो उस वक्त उन्होंने 38 ट्रांसपोंडर्स जो थे वो NSS-6 के थे जो कि KU बैंड के लिए हैं, और अभी की बात करें जो कि SCS-12 है तो इसके लिए कुल 54 ट्रांसपोंडर्स यानी 54 ट्रांसपोंडर्स की कैपेबिलिटी है। यानी एक ट्रांसपोंडर में काफी चैनल्स जो है वो 60-70 चैनल्स इजिली ऐड किए जा सकते हैं। तो अब डिश टीवी कितने ट्रांसपोंडर्स एक्वायर करता है वो डिश टीवी के हाथ में, क्योंकि एक ट्रांसपोंडर की जो कीमत है वो करीब करोड़ रुपए में जाती है, वो भी एनुअल जो है इसकी प्राइस रहता है। तो हर ट्रांसपोंडर को खरीदना तो इतनी जल्दी आसान नहीं होता है, धीरे धीरे जो है ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि डिश टीवी के पास सभी ट्रांसपोंडर्स मिल जाएंगे। और फिलहाल जो है अभी कौन से चैनल इसमें जुड़ेंगे वो भी कुछ कह नहीं सकते हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि जो NSS-6 सैटेलाइट के बने हुए चैनल्स हैं जो अभी हम देखने को मिल रहे हैं डिश टीवी में, उन्हीं चैनल्स को सबसे पहले शिफ्ट किया जाएगा नए ट्रांसपोंडर्स में। उसके बाद हम आने वाले वक्त में कह सकते हैं कि जो बचा कुचा स्पेस होगा या कोई ऐसा कोई ट्रांसपोंडर अगर वो खरीदता है डिश टीवी जिसमें केवल नए चैनल्स ही लॉन्च किए जाएं तो हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी ऐसा कुछ कहना संभव नहीं होगा। बहुत से लोगों ने कहा 1000 चैनल आएंगे, 2000 चैनल आएंगे। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता जब तक वो DTH ट्रांसपोंडर नहीं खरीदता है। और सबसे पहली बात तो यही है कि जो वो लोकेट में करता है यानी जो ऑर्बिटल लोकेशन है वो 95 डिग्री ईस्ट है, तो साफ है कि वो केवल डिश टीवी के लिए वर्केबल है, बाकी किसी DTH के लिए वो वर्केबल नहीं है। ना वो डी फ्री डिश के लिए मिलने वाला है, वो टाटा स्काई एयरटेल के लिए, किसी के लिए भी नहीं है, वो केवल डिश टीवी के लिए है। तो सबसे पहले जो है आप हमेशा लोकेशन जो है ना सैटेलाइट की वो नजर में रखिए करिए, किसी की बातों में ना आए। क्योंकि बहुत से ऐसी वीडियोज हैं SCS-12 को लेकर कि डीडी फ्री डिश में ऐसा धमाका होएगा, इतने चैनल्स आएंगे, फ्री टू एयर चैनल्स आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो KU बैंड सैटेलाइट ट्रांसपोर्टर है, वो सी बैंड का नहीं है और वो केवल डिश टीवी के लिए इस्तेमाल में आने वाला है। दोस्तों, आज की इन्फॉर्मेशन इसी प्रकार से आई थी। यदि मुझे और भी कोई जानकारी आती है तो जरूर आपके साथ शेयर करूंगा।